well, कल ही शुरू हुआ है तो बहुत ही enjoy कर रही हूँ and I'm very excited to be making my TV debut. I mean फिल्मों में तो काफ़ी साल से I've been doing different kind of films. तो रेडियो में भी मैंने शो किया था. अभी रेडियो के बाद जब डांस इन डांस का ऑफर आया तो देन डेफिनेटली आई थॉट दैट वाई नॉट ट्राई समथिंग न्यू बिकॉज एवरीबडी इज़ डूइंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स एंड डांस इन डांस एक ऐसा मंच है जो आई फील आई एम वेरी ऑनर टू बी पार्ट ऑफ अ लॉन्ग स्टैंडिंग शो विच हैज़ बिन द ओरिजिनल डांस शो फॉर द लास्ट 10 ईयर्स. सो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग ऑनर फॉर मी टू बी एज अ जज ऑफ दिस. वेल जैसे मैंने कहा कि शो भी जो ऑफर हुई एंड द काइंड ऑफ शो दैट आई वॉज लुकिंग एट ऑल्सो हैड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट शोज एंड आई थिंक डांस इंडिया डांस इज वन ऑफ द बिगेस्ट शोज इन द कंट्री एंड आई कुडंट से नो. शी वॉज ऑलवेज लाइक यू शुड डू वॉट यू थिंक इज राइट एंड यू शुड डू एंड हैव फन विद इट. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. वेल आई थिंक वी आर वेरी एक्साइटेड एंड जैसे मैंने कहा दैट यू नो आई मीन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द कंटेस्टेंट्स बिकॉज इतना अलग अलग डांस फॉर्म्स को देखने मिलेगा जो कभी यू नो हम लोग हमेशा टीवी पे देख रहे हैं बट मुझे लाइव देखने मिलेगा. दैट इज द एक्साइटमेंट. उनका सिर्फ स्ट्रेस है कि 12-14 घंटे शूट करनी पड़ेगी. वेल दैट्स फाइन. वेल वी गुड बी इट्स गोना बी अ वीकली सो इट्स फाइन. इट्स वंस अ वीक एंड जैसे मैंने कहा दैट यू नो हार्डवर्क और मेहनत के बिना कुछ नहीं होता. सो दैट्स व्हाई एंड आई एम रेडी फॉर दैट. थैंक यू.